सुस्वागतम, नमस्कार, सत श्री अकाल, वणक्कम, सलाम, प्रणाम। मेरे प्यारे बहन और भाइयों, श्री नारायण आपकी सेवा में उपस्थित हो गया है आज के दिन विशेष लेकर, जो है 12 मई के। जी हाँ बहन और भाइयों, और इस दिन विशेष में ऐतिहासिक घटनाएं, जन्मदिन, स्मृति दिन और आज का सवाल, साथ में आज का विचार। तो रोचक, मनोरंजक, ज्ञानवर्धक जानकारियों से भरा एक ही पैकेज, जिसका नाम है दिन विशेष विद NGC YouTube चैनल। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आज की वीडियो को लाइक, कमेंट्स और शेयर जरूर कीजिएगा। तो इस उम्मीद के साथ शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले आज का सुविचार, बात इतनी मधुर रखो कि कभी वापस लेनी पड़े तो खुद को कड़वी ना लगे। जी हाँ, फिर एक बार बहुत ही बढ़िया सुविचार, बात इतनी मधुर रखो कि कभी वापस लेनी पड़े तो खुद को कड़वी ना लगे। जी हाँ बहन भाई, अब आज का सवाल यह है कि दुनिया की सबसे महंगी सब्जी कौन सी है। जी हाँ बहनों भाइयों, दुनिया की सबसे महंगी सब्जी कौन सी है, सोचिए सोचिए और ढूंढिए, और अगर इसका जवाब ना मिले तो वीडियो अंत तक देखने का कष्ट उठाइए, अंत में इसका जवाब मिल जाएगा। आज विश्व नर्स दिन है, विश्व परिचारिका दिन है, और आज ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल, इनका जन्म 1820 में हुआ था और ये महान परिचारिका थी, इनके याद में आज का ये दिन मनाया जाता है। आज विश्व पादप स्वास्थ्य दिन भी है और ये पौधों के बीमारियों से जुड़ा हुआ दिन है। तो चलिए भाई भाइयों, आज का दिन आपको मंगलमय और शुभ रहे, यही ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ चलते हैं आज की वीडियो की ओर, आज के दिन विशेष की ओर, जिसमें 12 मई के सबसे पहले ये रहे कुछ प्रमुख ऐतिहासिक घटनाएं। सन 1459 में जोधपुर शहर की स्थापना हुई। सन 1666 में पुरंदर के संधि के तहत छत्रपति शिवाजी राजा औरंगजेब से मिलने के लिए आगरा पहुँचे। सन 1689 में इंग्लैंड और हॉलैंड ने लीग ऑफ ऑक्सबर्ग बनाया। सन 1915 में क्रांतिकारी राजबिहारी बोस, इन्होंने जापानी नौका सानुकीमारू, इस पर सवार होकर भारत छोड़ा। 1925 में उज्बेकिस्तान और किर्गिजिस्तान ये स्वायत्त सोवियत गणराज्य बने। सन 2008 में चीन के सिचुआन में भूकंप आने के कारण 69,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई। सन 2008 में जजों के बहाली के मुद्दे को लेकर कोई समझौता न होने के कारण पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ, इन्हें साझा सरकार से हटने का निर्णय लेना पड़ा। सन 1364 में पोलैंड का सबसे पुराना विद्यापीठ जगिलिनियन विद्यापीठ की स्थापना हुई। 1551 में अमेरिका में सबसे पुराना विद्यापीठ सान मार्कोस राष्ट्रीय विद्यापीठ की स्थापना हुई। 1797 में नेपोलियन ने वेनिस जीता। 1909 में सेवानंद बालूकाका कानिटकर, डॉक्टर गजानन श्रीपत तथा अन्ना साहेब खेर और GV यानी वी ग केतकर इन्होंने मिलकर पुणे में अनाथ विद्यार्थी गृह की स्थापना की। 1941 में बर्लिन के कोनराड झूज व्यक्ति का नाम है, बर्लिन के कोनराड झूज ने विश्व का पहला पूर्णतया स्वयंचलित संगणक Z3 प्रदर्शित किया, Z3। 1952 में प्रजासत्ताक भारत के संसद का पहला अधिवेशन शुरू हुआ। 1955 में ऑस्ट्रिया आज़ाद हुआ। 1965 में सोवियत अंतराल स्थानक Luna 5 चांद पर गिरा। 1987 में ब्रिटिश रॉयल नेवी, जिसका नाम था HMS हार्मिस, ये युद्ध नौका भारत ने इसे खरीद कर
इसे INS विराट नाम से दाखिल किया। 1998 में केंद्र सरकार की कर्मचारियों का सेवानिवृत्ति उम्र मर्यादा आयु सीमा 58 से 60 करने का निर्णय लिया। 1998 में भाषा तज्ञ और वैदिक संस्कृति के अभ्यासक रामचंद्र नारायण दांडेकर इनको बिरला अकादमी ऑफ आर्ट एंड कल्चर इस संस्था का जीडी बिरला पुरस्कार, ये अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है, ये घोषित हुआ। तो ये हुए भाई आज के ऐतिहासिक घटनाएं। अब चलते हैं जन्मदिन की ओर। परिचारिका और आधुनिक रुग्ण परिचारिया शास्त्र की जनक फ्लोरेंस नाइटिंगेल, इनका जन्म 1820 में हुआ। लाटविया की योग शिक्षिका इंदिरा देवी 1899, 103 साल के बाद इनकी मृत्यु हुई। मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज इसके संस्थापक आत्माराम रावजी भट्ट 1905। निर्माता दिग्दर्शक पटकथा लेखक विजय शंकर जगनेश्वर तथा विजय भट्ट 1907। हॉलीवुड की अभिनेत्री कैथरीन हिपबर्न 1907। हिपबर्न भारतीय हिंदू धर्म के अभ्यासक, कलकत्ता विद्यापीठ के तत्वज्ञ कृष्णचंद्र भट्टाचार्य 1875। भाजपा के कोषाध्यक्ष, पश्चिम बंगाल के 22वें राज्यपाल वीरेन जे शाह 1926। भारतीय इंग्लिश मराठी लेखिका और डॉक्टर तारा वनारसे रिचर्ड 1930 में इनका जन्म हुआ। अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी नंदू नाटेकर 1933। भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष, मुख्य न्यायाधीश तथा सर्वोच्च न्यायालय के सर न्यायाधीश कुना कुप्पा कटिल गोपीनाथन बालकृष्णन 1945। पॉलिटिशियन और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कृप्पा गौंडर पलानी स्वामी 1954। स्क्वाड्रन लीडर और क्रिकेट खिलाड़ी शिखा सुभाष पांडे 1989। तारक मेहता में तारक मेहता का उल्टा चश्मा, जिसमें नट्टू काका की भूमिका निभाने वाले घनश्याम नायक 1944। संगीतकार इकबाल कुरैशी 1930। तो ये हुए जन्मदिन। अब आज के स्मृति दिन। नोबेल पारितोषिक विजेता जर्मन कवि और नाटककार नॉली सेच 1970। अभिनेता दिग्दर्शक पटकथा लेखक शरत पुजारी 2014। ब्रिटिश भारतीय सैन्य दल के वरिष्ठ अधिकारी और विक्टोरिया क्रॉस के मुख्य सर ह्यू हेनरी डब 1809। हिंदी कवि शमशेर बहादुर सिंह 1993। भारतीय वंश के जिम्बाब्वे के रहवासी और ब्रिटिश पक्षी शास्त्रज्ञ रिचर्ड केंडल ब्रुक 1996। तो ये हुए भाई आज के दिन विशेष। इसी के साथ ही आज के दिन विशेष खत्म करने की इजाज़त चाहता हूँ। लेकिन हाँ भाई, सब्जी बाकी है। जी हाँ, आज का सवाल, दुनिया की सबसे महंगी सब्जी कौन सी है? तो जी हाँ, दुनिया की सबसे महंगी सब्जी हॉप शूट्स, ये है, स्पेलिंग करता हूँ, HOP, पी फॉर पेपर, HOP, SHOOT फॉर टेबल, TS, SHOOTS, हॉप शूट्स, ये सबसे महंगी सब्जी है, जिसकी कीमत तकरीबन 85,000 से लेकर 1,00,000 प्रति किलोग्राम होती है। खास करके ये यूरोपीय देशों में पाई जाती है। कहा जाता है कि भारत में
हिमाचल प्रदेश में भी इसकी खेती की जाती थी मगर अब नहीं होती है। इसके कई औषधि गुण हैं, तो अधिक जानकारी के लिए भाई गूगल सर्च कीजिएगा। तो चलिए भैन भाइयों, अब लेता हूँ विदा। अगर आज की आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा भाई। तो इस उम्मीद के साथ मैं अब लेता हूँ विदा, कल मिलने का करता हूँ वादा। तो चलिए भैन भाइयों, दीजिए आज्ञा श्री नारायण को, नमस्कार, अलविदा।